हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी ICR की ऑफिशियल साइट पे आपका ICR PG का 2023 का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। अब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट हुआ है उनको किस तरह से शो होने वाला है। थोड़ा सा हम ट्रेवल कर रहे हैं इसकी वजह से आपको ध्यान से नहीं सुनाई देगा, लेकिन आप पॉइंट पे आइए। तो सबसे पहले आपको ICR की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। उस ICR की ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको नीचे की ओर जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका ICR का ऑफिशियल पोर्टल, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको लाइव, ठीक है, यहाँ पे PG सेकंड राउंड का लाइव दिख जाएगा। जैसे आप यहाँ पे अपना रिजल्ट देखोगे तो जिन स्टूडेंट्स ने अपग्रेड किया है या जिन स्टूडेंट्स को अपना फर्स्ट राउंड में भी सीट नहीं मिला है, तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन लॉगिन करके देख सकते हो। जैसे आप एप्लीकेशन लॉगिन करेंगे तो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन नंबर, उसके साथ ही साथ आपका यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपको, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर के साथ साथ यहाँ पे इस तरह से आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट होगा उनको अलॉटमेंट दिखेगा, यदि जिन स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखता है, ठीक है, तो इसका मतलब उनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, उनको नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करना है और आपको कोई भी प्रोसेस नहीं करना है, बस इंतजार करना है नेक्स्ट राउंड के रिजल्ट का। अब जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर दिखा रहा है तो उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अपलोड करना होगा और उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होगा। अब जिन स्टूडेंट्स ने अपग्रेड किया है, ठीक है, तीनों स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो जिन स्टूडेंट्स ने अपग्रेड किया तो यहाँ पे आपका एडमिशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर पे आप जस्ट क्लिक करेंगे तो अलॉटमेंट लेटर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से आपका पहले इन स्टूडेंट्स को जैसे इन स्टूडेंट्स को यहाँ पे अलॉट हुआ था आपका PG में इन्वाइटेड एस में GB Pant अलॉट हुआ था, ठीक है, यहाँ पे आप कोर्स देख सकते हो, ये इनको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था, लेकिन इनको जैसे सेकंड राउंड की हम बात करें तो इन्होंने अपग्रेड किया था तो इनको सेकंड राउंड में जो अलॉटमेंट हुआ है वो हुआ आचार्य एनरन का, और यहाँ पे देखो कोर्स इनमें चेंज हो गया है, सोशल साइंस का जो कोर्स है वो इन्हें अलॉट हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड कर सकते हो, अलॉटमेंट लेटर देख सकते हो, यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर आपका डाउनलोड हो जाएगा। हमारा इंटरनेट थोड़ा स्लो है बिकॉज हम थोड़ा ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, सारी प्रोसेस चेक कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ कोई दिक्कत हो तो कल मॉर्निंग में आप पूरे प्रोसेस का वीडियो बना दूंगा जिससे आपको सारा हेल्प हो जाएगा। तो चलिए, चैनल पे नए हो तो डियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू डियर्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।